महावीर जैसा हो जाता है। कृष्ण का तो बोलता है कि मैं ब्रह्म हूँ। ज्ञानी का तो मुझे समझ में आ रहा है, मतलब सोच के तो रिलेट कर पा रहा है, तो कृष्ण का देखना तो बहुत कंफ्यूज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। देखो कंफ्यूजन तुम्हारे साथ है, कृष्ण के साथ नहीं है। ध्यानी कृष्ण के बारे में सोचेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। ध्यानी तो छोड़ो, जो कृष्ण के प्रेम में है वो भी कृष्ण से कंफ्यूज होते हैं। सूरदास कंफ्यूज होते हैं कि यार जो तुलसीदास कह रहे हैं उससे सूरदास राजी नहीं, और जो सूरदास कह रहे हैं उससे तुलसीदास राजी नहीं। सूरदास कहते हैं कि बचपन में कृष्ण जो थे बहुत बढ़िया थे, लेकिन जवानी में यार इतना प्यारा आदमी हत्या कैसे कर सकता है। और तुलसीदास कहते हैं जवानी में हत्या कर दी ये तो बात समझ में आती है, बचपन में औरतों की साड़ियां चुरा के भाग जाता था, मक्खन चुरा के खाता था, कृष्ण चोर नहीं हो सकते। तो अपने अपने तल पे देख के तुम कृष्ण को नहीं समझ सकते, तुम अपने अपने तल पे देख के कृष्ण को नहीं समझ सकते। और कृष्ण के बारे में चिंतन तो ध्यान ही कर ही नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज तो है कि तुम्हारे सामने थोड़ा मैं मौजूद हूं। तुमने मुझे कितने डायमेंशन में देखा, तुमने मुझे कितने डायमेंशन में देखा। ध्यान कराता हूं तो मेरी एक अवस्था भी देखी, तुमने वो भी देखा, ध्यान की बकवास कुछ नहीं ये भी करते देखा। तुमने मुझे प्रेम भी जीते देखा, बिजनेस भी करते देखा, सब तरीके से तुमने मुझे सब रूप में देखा। क्या मैं किसी चीज को करते वक्त कंफ्यूज दिखा तुम्हें? नहीं। बस ऐसे ही था। आप कितने कलर्स के साथ अटैच्ड होना चाहते हैं ये एक बात होती है। आप सिंगल कलर के साथ कितना घुस के बाकी कलर को नकार देते हैं इसमें ही तय होता है कि आप ध्यानी। ध्यानी सब चीजों को नकार देता है। पहली बात तो सिंपल तरीके से समझो, तीन चार अवस्थाएं हैं जिनकी बात होनी चाहिए। जैसे एक होता है योग, योग की एक अवस्था। योग कहता है कि मैं अपने से जुड़ने के लिए, अपने स्वभाव से जुड़ने के लिए, मेरे स्वभाव के साथ जो चीज मैच खाती है सिर्फ उन्हीं चीजों को अपने में प्रवेश दूंगा, बाकी सब चीजों को नकार दूंगा। ये योग है। तंत्र कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं किन चीजों के साथ जुड़ूं, मुझे दिमाग से समझ नहीं कि मेरा स्वभाव क्या, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी इंद्रियां तो हैं। भाई मेरी इंद्रियां हैं इतना तो पता है, तो जब नींद लगती है तो मैं सोऊंगा, जब भूख लगती है तो मैं खाऊंगा, और वो इस तरीके से अपना चुनाव करता, वो इंद्रियों के ऊपर छोड़ देता। तो तंत्र का मतलब होता है शरीर, और तांत्रिक का मतलब होता है जिसने अपने शरीर को कंट्रोल कर लिया। और कंट्रोल करने का अर्थ नहीं होता रोकना, कंट्रोल करने का अर्थ होता है जो जैसा अवस्था में है उससे भी कंट्रोल हो जाता है। तो तांत्रिक लोग अपने शरीर की सुनते हैं, और योगी जो होते हैं वो अपने मन की और अपने स्वभाव की स्थिति देख के एक नियम बना के उसमें जीते। लेकिन तीसरी एक अवस्था है भक्त की। भक्त कहता है ना तो मुझे सही समझ में आता है कि कब सोना चाहिए कब लेटना चाहिए, मुझे भाई इसका कोई भी पता नहीं, ना ही मुझे ये पता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरा स्वभाव क्या, मुझे इसकी भी समझ नहीं। तो भक्त कहता भैया मैंने तो एक गुरु बना लिया, गुरु जो कहेगा कर लेंगे। वो तो गुरु के कहे पे चल देता है, उन्होंने कहा तुम कहो दिन तो दिन, तुम कहो रात तो रात। अब होती हो रात, होता हो दिन, या वो झूठ भी बोल रहा है, इससे भी कोई लेना देना नहीं, वो तो फिर जो गुरु ने कह दिया उस पे चलता है, तो वो उसकी साधना बन जाती है। गुरु सच्चा है कि झूठा इसमें भी मत पड़ो, वो तो गुरु के पीछे चल देना। और गुरु किसी को भी मान ले, कोई अपने बाप को मान सकता है गुरु, कोई अपने मित्र को मान सकता है, कोई अपने प्रेमी को मान सकता है, किसी को भी मान लो, उसकी पूरी 100% सुनो, और तुम्हें लगेगा कि एक दिन जो है तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो गई। लेकिन एक चौथी अवस्था जिसको मैं आध्यात्मिकता कहता हूं, धार्मिकता से हटके जो चौथी अवस्था की बात है, ये पहले चौथी अवस्था की बात मैंने एक साथ नहीं की, हमेशा तीन अवस्थाओं की बात की। चौथी अवस्था कृष्ण की है। पहली बात तो समझने में दिक्कत ये होती है लोगों को कि कृष्ण कौन सी साधना करे जो पूर्ण हो गए, तो कृष्ण की साधना का कोई पता नहीं। लेकिन कृष्ण की साधना उनकी मां के पेट से ही हो गई। कृष्ण को अपनी कुंडली जागरण और इन सब चीजों के लिए किसी प्रकार का उपद्रव करने की जरूरत नहीं रही। वो अपनी मां के पेट से ही इतनी शुद्धतम अवस्था को लेकर पैदा हुए थे कि उनको किसी प्रकार की योग और इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर था कृष्ण के सराउंडिंग का माहौल।
फिर था कृष्ण की सराउंडिंग का माहौल, और वो माहौल ऐसा था कि जिसमें कृष्ण को रोक टोक बहुत ज्यादा नहीं की जाती थी। उसका एक कारण था, और उसका छुपा हुआ कारण था राधा। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि कृष्ण को जो बचपन में पाला वो उनकी मां ने पाला, जो नंद की पत्नी थी यशो, है ना, तो उन्होंने पाला, उन्होंने कृष्ण को बहुत पालन, उन्होंने पाला सिर्फ उतना जितना एक बच्चे को माँ खाना आना दे देती और कर देती, लेकिन कृष्ण को वास्तव में पाला राधा ने, कृष्ण को वास्तव में पाला राधा ने। अब जब मैं यहां बात कहूंगा तो बहुत से लोगों की इन्फॉर्मेशन गड़बड़ाने लगेगी, लेकिन मैं सिंपल सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो ग्रंथों में लिखी हुई। ग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कृष्ण जिस राधा की बात करते हैं, जिस राधा की बात होती है, वो राधा जो थी वो कंस का भाई था अभय, और वो सेनापति था, उसकी पत्नी थी, और कृष्ण से कई साल बड़ी थी। लगभग ये समझ लो कि राधा 35-40 साल की रही होगी जब कृष्ण पैदा हुए और वहां गए। 35-40 साल की स्त्री और कृष्ण को पालती है। लेकिन थोड़ा समझने वाली बात है, आप मैंने बहुत सारे कृष्ण के जीवन में पढ़े होंगे दर्शन, जिसमें कृष्ण को मारने के लिए कंस ने साजिशें की और बहुत लोगों का उपयोग किया। सेनापति अभय का भी उपयोग किया होगा, किया होगा कि नहीं किया होगा। एक पुस्तक थी कृष्ण की आत्मकथा, ये मैं आज नाम ले रहा हूं। मैंने ये पुस्तक ओशो की जब 4-5 पुस्तकें ही पढ़ी थी, उस दौरान एक व्यक्ति ने मुझे ये पुस्तक दी थी कि कृष्ण की आत्मकथा ये पुस्तक पढ़ना। सच बताएं तो मुझे मेंटल लेवल मेरा नहीं था ऐसा कि मैं वो पुस्तकों को गहरा चाटूं। मैं पुस्तकों से मुझे नफरत ही रही हमेशा, मुझे चाटना नहीं आता। मैं तो फटाफट पन्ने पलट के पढ़ने वाला इंसान था, कहानी देख ली पढ़ लिया, चुटकुला देख लिया पढ़ लिया, कोई मतलब की बात निगाह में पड़ गई तो पढ़ ली। लेकिन कृष्ण की आत्मकथा को भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, और शुरू के शायद 15-20 पन्ने पढ़े, तो 15-20 पन्नों में एक बात समझ में आई कि कृष्ण के साथ जो कुछ भी हुआ वो केवल कृष्ण का ही योगदान नहीं था, कृष्ण से पहले भी प्लान था। वो प्लान कुछ इस तरीके का था कि कृष्ण जिस समय पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले जो है वो एक तरीके का बहुत आतंक मचा रखा था कंस ने, तो कंस के उस आतंक के कारण उनके राज दरबारी ही कई लोग ऐसे थे जिन्होंने एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था कि यार कोई मौका मिले, कोई अपॉर्चुनिटी आए तो हम जो हैं वो कंस को मारें, ऐसे हटाएं। और कंस को मारना सीधे सीधे इसलिए संभव नहीं था कि कंस का एक बहनोई था जिसका नाम था जरासंघ। जरासंघ बहुत ताकतवर इंसान था, कृष्ण भी उसको नहीं मार पाए, इतना ताकतवर था। क्योंकि जरासंघ को एक मिल रखा था ऐसा आशीष कि जरासंघ की हत्या जो है वो सामान्य तरीके से की नहीं जा सकती। जरासंघ की हत्या का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका पूरा शरीर ऐसे फाड़ के और एक इधर फेंका जाए, किधर फेंका जाए, तब वो जुड़ेगा नहीं विपरीत दिशाओं में, वरना वो जुड़ जाएगा। तो जरासंघ को पहली बात तो शरीर फाड़ना असंभव था क्योंकि वो खुद में बहुत बड़ा ताकतवर था, तो कृष्ण भी ऐसा नहीं कर सकते थे। और जरासंघ के उस भय की वजह से किसी भी देश के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनके राजदरबारी किसी देश के साथ मिलकर और प्लान करके और कंस की हत्या करवा पाए। उसी वक्त की कहानी है कि वहां पे जो है ये देवकी का विवाह होता था, और वहां पे एक आकाशवाणी हुई जो कि नारद ने की। नारद वहां आया और नारद ने कहा, आकाशवाणी ऐसे नहीं होती आकाश से हो रही, आकाशवाणी का अर्थ होता है किसी ऐसे व्यक्ति के मुख से कोई बात निकलना जो आकाश से जुड़ा हुआ। नारद जो थे वो एक ऐसे एनलाइटेड पर्सन थे जो लोगों को बुद्धत्व की बात कम करते थे, लेकिन उनके जीवन में भविष्य में क्या घटेगा इसकी बहुत बातें करते थे, इसीलिए नारद ने सर्वाधिक आकाशवाणियां की। तो नारद ने वहां कहा कि देवकी का जो है वो 8वां पुत्र वो कंस की हत्या का कारण बनेगा।
तो जब ये बात कही तो कंस डरा, लेकिन कंस के डरने के साथ साथ बाकी जो लोग थे उनके अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हुआ कि अब यार मौका है, इस मौके का हमें उपयोग करना चाहिए। तो जो कहानियां कहती हैं कि कृष्ण जब पैदा हुए तो बेड़ियां अचानक टूट गईं, अचानक ही जो है वो सारे द्वार खुल गए, फिर अचानक ही वो बाहर निकले और उन्हें शेष नाग ने ऊपर से छाया दी और वो वहां लेके गए, ये सब कहानियां हैं। सच बात तो ये है कि उस समय के राज दरबारियों ने गुप्त प्लान बनाया कि आठवें बच्चे को बचाना है किसी तरीके से। उन्होंने आस पड़ोस के इलाके में ये भी खबर फैला दी कि यदि कोई बच्चा उसी दौरान पैदा होने को हो, लगभग एक ही समय पे पैदा होने को हो, तो उनकी अदला बदली का क्या तरकीब की जाएगी। और ऐसे में नंदगांव के जो प्रधान थे उनके घर में एक लड़की का जन्म होना हुआ और उसी प्लान के साथ दरबारियों ने मिलकर वो बच्चा एक्सचेंज करवाया। वो दरबारियों ने मिलकर बच्चा एक्सचेंज करवाया और कहीं ना कहीं दरबारियों के साथ साजिश में शामिल थी राधा। राधा ने उस बच्चे को बचपन से पाला, राधा ने उस बच्चे को ट्रेनिंग दी, राधा ने उस बच्चे को कई सारे कलर जीना सिखाए, राधा ने जो था ये सोच समझ के कि किस तरीके से इसको हत्या करनी है प्लान किया। राधा का बहुत बड़ा रोल है। अब सोचो कि राधा जो है सेनापति की पत्नी, ठीक है, मैंने इसको पहले भी एक बार बोला है लेकिन आज यहां पे फिर बोल रहा हूं कि राधा जो है सेनापति की पत्नी। अच्छा, सेना में सैनिक कौन होते थे उस समय? सेना में सैनिक कौन होते थे? सैनिक होते थे वही गांव के किसान इसान, यही सब लोग रहने वाले, यही सब होते थे। एक उल्लेख है कि कृष्ण के प्रेम में 16,000 गोपिकाएं थी, है उल्लेख। कंस के दरबार में कितने सैनिक होंगे लगभग उस समय? 16,000-17,000 लगभग, एक औसत इतने ही सैनिक होंगे जो कृष्ण के ऐसे अंगरक्षक होंगे, जो कंस के, सॉरी कृष्ण के नहीं, कंस के अंगरक्षक टाइप के होंगे। अब अगर सेनापति की पत्नी उन सबको बुला के और कृष्ण के प्रति प्रेम की बातें करे तो क्या वो सैनिक की पत्नियां प्रभावित होंगी कि नहीं होंगी? भाई होता है ना कि गुरु को कोई तुम्हारा मान रहा है, टॉप का हीरो हीरोइन मान रहा है, तो उसके चेले तो वैसे ही आकर्षित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बचपन में उनकी सब तरीके की शिक्षाएं चल रही थी। साथ ही साथ एक चीज होती है मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध के बारे में आपको किसको पता है थोड़ा, मल्ल युद्ध क्या होता है? मल्ल युद्ध सीधा सीधा शारीरिक ताकत के साथ जो है वो एक व्यक्ति को हराने की कला होती। आपको मालूम है कि मल्ल युद्ध में आदमी की जो छटपटाहट और फड़फड़ाने की स्थिति होती है उस पर डिपेंड करता है कि सामने वाले को कितना कंट्रोल में आने देगा नहीं आने देगा। जैसे अगर मैं बहुत मच लूं तो सामने वाले को ग्रिप लेना ही मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। सबसे तेज जानवर कौन सा माना जाता है जो सबसे ज्यादा चैतन्य होता है? नहीं, सबसे ज्यादा चैतन्य होता है गाय का बछड़ा। मेरे यहां गाय पलती थी, आपके यहां भी किसी के यहां पली हो तो अनुभव होगा, गाय का बछड़ा पैदा होते ही चलने लगता है। हाँ, वो खड़ा ही हो जाता है। गाय का बछड़ा पैदा होते ही चलने लगता है। अब सोचो गाय के बछड़े के बीच वो आदमी उनको पालन पोषण भी कर रहा, वो उनको खिला भी रहा, वो उनको चराने भी जा रहा, और जब गाय के बछड़े बहुत तंग करते हैं ना, इधर उधर भागते हैं, तो एक काम करते हैं चरवाहे लोग, गाय के बछड़े के आगे के दो पैर पकड़ लेते हैं, पीछे के पकड़ लेते हैं और कंधे पे लाद लेते हैं। ये मल्ल युद्ध की शिक्षा है बहुत अच्छी। तो ये मल्ल युद्ध की शिक्षा भी उनकी चल रही थी और ये सारी प्लान के तहत आप एक बात किसी ने नोटिस नहीं की, पूरी महाभारत को न जाने कितनी बार देखा, कितनी बार कृष्ण की कहानियां पढ़ी, कि जब वो व्यक्ति
उसने कंस को चैलेंज किया मल्ल युद्ध के लिए। जब मल्ल युद्ध के लिए कृष्ण ने चैलेंज किया कंस को, तो उस समय कंस के पास सैनिक कहां थे? कहां थे सैनिक? एक राजा सिर्फ दो तीन पहलवानों के साथ था। वो जो पहलवान थे उनको दाऊ ने निपट लिया, क्योंकि दाऊ मल्ल युद्ध में और महारथी थे। उनको दाऊ ने निपट लिया और कंस को कृष्ण ने निपट लिया। बाकी सैनिक कहां गए? बड़ा सिस्टमैटिक प्लान। जैसे कि मैं राजा हूं कंस, और मैं घोषणा करूं कि कल सारे सैनिकों को उपस्थित होना है, फला महल में मल्लयुद्ध है और सारे सैनिक भी उपस्थित रहें। एक आदेश कर दूं, पहले के सैनिक ऐसे नहीं होते थे, डेली ड्यूटी होती नहीं थी कि संडे को छुट्टी होती होगी, ऐसा नहीं था। पहले के सैनिक जो होते थे उनको राजा किसी दिन आदेश करता था कि आज यहाँ कुछ प्रोग्राम होना है या कुछ होना है, उस दिन सैनिक सब आ जाते थे। अब अगर सोचो कि 16,000 औरतें जो कंस को प्रेम करती है, कृष्ण को प्रेम करती हैं, और वो राधा को भी मानती हैं, अगर एक सिस्टम के तहत ये प्लान हो कि आज के तारीख में सारी पत्नियां अपने पतियों को रोक लें, और आज राजा के आदेश पे जब बुलाया जाए तो ना जाएं, और ये सारी पत्नियां अलग अलग करेंगी, तो अगर किसी वजह से पति लुभा के रोकिया तो रुका, नहीं रुका तो बच्चों का बात कह दी, नहीं रुका तो पेट दर्द चिल्ला दिया, तो आदमी आराम से रुक सकता है। अच्छा, एक सैनिक अगर कोई नहीं पहुंच पाए तो कोई झंझट होगा, ऐसी एक मानसिकता किसी के भी सैनिक के दिमाग में हो सकती। सारे सैनिकों को यह लगा कि भाई हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और उस तरीके से पता लगा कोई सैनिक पहुंचा ही नहीं। मेरा मानना है बिल्कुल स्पष्ट बात कि जिस समय ये युद्ध हुआ उस समय सारे सैनिक वहां पे नहीं पहुंच पाए, बहुत आसानी से सिर्फ ये एक पे एक लड़ाई हुई, जहां पे वो राजा तो बहुत कसरत करता नहीं होगा, बूढ़ा भी हो गया होगा, और ये जवान पट्टा रोज ही कसरत कर रहा था बछड़ों के साथ और सबके साथ, खाते पीते घर का मक्खन और सब खाता होगा। भाई यदुवंशियों से ज्यादा तगड़े कौन हुए? यादव के घर में बच्चा बहुत तगड़े होते हैं, इतनी इतनी चौड़ी कलाइयां हमने आज के दौर में भी देखी। जब वो गाय को दूते हैं तो उनके हाथों में जिस तरीके से बढ़िया बढ़िया उनके कलाइयां बनती हैं और तगड़े होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं कोई, यादव बहुत तगड़ा होता। तो उस कंडीशन में वो वहां जाके हत्या हुई। इन पूरे बातों के दौरान मेरे कहने का सिर्फ ये अर्थ है कि कृष्ण के लिए बहुत सारे डायमेंशन खोले गए थे, और उनको 16 ललित कलाएं सिखाई गई थी, 16 ललित कलाएं, जिन ललित कलाओं में जादू भी था, जिन ललित कलाओं में आपको आर्टिस्ट होना भी था, जिन ललित कलाओं में आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और ये सब चीजें बजाना आनी चाहिए वो भी था, तो बहुत तरीके की ललित कलाएं भी उन्हें सिखाई गई थी, छोटी छोटी कलाएं होती। इतने सारे डायमेंशन जिसके लिए खोल दिए गए हों, तो जिस व्यक्ति की, जैसे मैं कहता हूं कि कुंडलनी जागरण जब होता है तो उस व्यक्ति का जो माँ बाप से मिले हुए रोग होते हैं जिसमें भय और लोभ जो है वो खास होता है, तो उसके पास भय लोभ भी नहीं था और वो बचपन से ही वैसे पैदा हुए, तो उस कंडीशन में भय और लोभ से मुक्त व्यक्ति जब इतने आयामों को जिएगा तो वो एक आयाम में उलझा नहीं रहेगा। 16 ललित कलाओं में ध्यान और योग भी था, तो ऐसी स्थिति का व्यक्ति इतने सारे डायमेंशन के साथ अपने को मैत्री गांठ लेगा। जैसे कि एक सूरज की किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो कई उसमें बदल जाती, लेकिन कई किरणों को जब प्रिज्म में इकट्ठा किया जाता तो वो बहुत शक्तिशाली आग पैदा कर देती। तो कृष्ण का हम जो बहुत आयामी रूप देखते हैं वो ऐसा ही है कि उनके सामने मार्केट वैसी थी, उनके सामने अपॉर्चुनिटी वैसी थी, ना उन्हें कोई प्रेम के झंझट थे बहुत ज्यादा, ना उन्हें सेक्स की कोई झंझट थी, ना उन्हें बचपन में कोई साड़ी चुराते हुए रोक रहा था, स्त्रियों को नग्न देखते नहीं रोक रहा था, माखन खाने को चोरी करने को तो सब स्वीकार थे कि कृष्ण कब चोरी करें हमारे यहाँ के,
जानबूझ के माथन की मटकी ऐसे रखी जाती थी कि कृष्ण चुरा लें। मतलब कृष्ण के लिए तो सब दरवाजे अपने आप खुले थे और उस समय के सारे लोगों ने खोले थे। उस समय के बहुत सारे प्रतिभावान लोग कृष्ण को तैयार कर रहे थे उस समय के लिए। तो कृष्ण के बारे में जो हम कहते हैं कि कृष्ण बहुआयामी थे, बहुआयामी होने की कोई मेडिटेशन टेक्निक नहीं होती, बहुआयामी होने की कोई ध्यान विधि नहीं है कि हम बहुआयामी कैसे हो जाएं। बहुआयामी तो एक व्यक्ति का चुनाव होगा और साथ साथ जरूरतें। अब मेरे सामने जरूरत पड़ गई कि भाई घर से निकले तो ये भी करना वो भी कर लिया, ये भी करना वो भी किया, सब तरीके के आयामों में जहां जरूरत पड़ी वहां 100% लग गए। अब आप सब उन आयामों से बच जाते हो, उन सब आयामों में जाना नहीं चाहते, और मुझे उन आयामों में जाते वक्त किसी तरीके का ऐतराज नहीं था कि भाई जो भी है भय मैं तो उसको जीऊंगा। तो जीवन द्वार खोलता गया, कई तरीके के द्वार खोलता गया, और उन द्वारों के खोलते खोलते इतने सारे रंग थे जिनको जी लिया। ऐसा नहीं है कि अगर बुद्ध के सामने कोई ऐसी स्थिति आती तो बुद्ध उसको नहीं करते, लेकिन बुद्ध के सामने ऐसी स्थितियां ज्यादा आई नहीं। बुद्ध भी ऐसा हुआ कि इनलाइटमेंट के बाद अपने घर गए, एक बार को लगा होगा कि चलो राज्य संभालते हैं, राज्य संभाल के थोड़ा सा वहां पे लोगों को ध्यान यान और ये सब चीजें भी बताएंगे। मान लो गए बुद्ध, गए अपने घर में, अपनी पत्नी के पास भी गए, लेकिन वो भी सिंगल आयामी लोग, वो संसारी लोग, उन्होंने बुद्ध का वेलकम करने के बजाय बुद्ध का तिरस्कार शुरू कर दिया। और तिरस्कार कैसे होता है ये समझ लो, तुम ध्यान करते हो, तुम इतने दिन मेरे पास रहे, साल डेढ़ साल रहे, उसके बाद घर गए, घर में मालूम क्या ताने होते हैं, आ गया चूतिया, आ गया, देखो पछता के आया, अबे चूतिया इतने दिन समय क्यों बर्बाद किया, पहले ही कह रहे थे, पहले कहते थे तो फोन भी नहीं उठाता था, अब आया फटी पे वापिस। तो घर वाले तिरस्कार करते हैं, तुम तो छोटे ध्यानी, वो तो महाध्यानी, उसका कितना तिरस्कार हुआ होगा, क्योंकि वो उनकी मान भी नहीं रहे होंगे। और तुम क्या सोचते हो, वो गए और एक रात उनकी पत्नी ने उनके लिए द्वार खोला, कहानी लिखी ना जी, पत्नी ने उनके लिए द्वार खोला, अब पत्नी के महल के गेट पे खड़ी रहती थी। भाई ऐसा हुआ होगा कि गए होंगे, उन्हें सब पहचान लिया होगा, राजा आजा ने बैठाया होगा, शाम को वो विश्राम करते होंगे, फिर उनके बाप ने किसी दिन कही होगी बुद्ध से आके, अरे भाई तेरी बीबी भी है जरा वहां भी चला जा, फिर वो गए होंगे, द्वार खोला पत्नी ने, ऐसी बात तो समझ में आती है। फिर पत्नी ने द्वार खोला, पत्नी भी शुरू हो गई अपना लेके, इतने दिन कहां थे, हमारा क्या हो रहा होगा, फिर साड़ी अड़ी के लिए नहीं रो रही होगी, लेकिन मैं अकेली स्त्री क्या करूं, तो वो ज्ञान पहनने लगी होगी, छत्राणी थी, क्षत्रिय की बेटी थी, उसने भी शास्त्रार्थ बचपन से पढ़े होंगे, तो वो तो उसने शास्त्रार्थ शुरू कर दिया। तो कहने का अर्थ, बड़ा मूड खराब हो गया होगा कि आए तो थे हरि भजन को और जे तो चूतिया मेरे पीछे पड़ गए। तो बुद्ध ने कहा होगा, भैया हम ध्यान करा लेंगे औरों को, तुम्हारे चक्कर में तो और रेड़ पिट जाएगी, जो कुछ मिला है वो भी खो जाएगा। लेकिन कृष्ण को वेलकम हुआ, कृष्ण के हर आयाम के लिए हृदय खोल दिए गए, बुद्ध के लिए हर आयाम के हृदय नहीं खोले गए, समझ लेना इस बात को। बुद्ध के लिए हर आयाम के हृदय नहीं खुले, इसलिए बुद्ध एक डायमेंशन के रह गए, और कृष्ण के लिए हर आयाम के हृदय खुले, उन्हें गले लगा लिया गया। जैसे मैं यहां बैठा हूं, अब मैं यहां बैठे बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं चलो आज बात करते हैं सेक्स के ऊपर, तुम उनका ओके सब बैठ गए, अब कोई पूछ रहा मास्टरबेशन करूं ना करूं, कोई कुछ, तो ये आयाम ही तो है। अब जैसे मैं बोलूं आज सेक्स पे बात करते, अरे गुरुजी हम तो क्या सोच के आए थे, तुम तो क्या निकले है, हम तो चले, पता लगा मेरे लिए आयाम बंद, मैं भी चार दिन तक सोचूंगा अब तो कोई चूतिया आया नहीं, मैं बोलूं किससे, फिर मैं कहूंगा ध्यान सबसे सुंदर बात होती है, आयाम खोलने गए वहां जूते पड़े तो वापिस आके फिर एक उसी आयाम पे डट गए। ये हुआ बुद्ध के साथ, कृष्ण बहुआयामी बने क्योंकि कृष्ण के लिए वेलकम हुआ। अभी तुम ध्यानी से बढ़ रहे थे प्रेम की तरफ, वेलकम हो रहा था प्रेम की तरफ बढ़े, फिर जूता पड़ा वापिस आ गए, अब कल पूछ रहे स्वामी जी बताओ मुझे ध्यान की विधि कोई अच्छी सी,
समझना मेरी बात को जी। बात समझना, बहुत गहरी बात है। अगर इतने प्यारे खिले गए फूल को दुनिया में वेलकम हो जाए तो वो कृष्ण जैसा हो सकता है। इसीलिए एक बात कहीं ओशो ने कही थी कि आज हर युवा में एक संभावना है कृष्ण की, हर युवा सन्यासी जो है वो कृष्ण जैसा हो सकता है, क्योंकि हम आयाम खोल रहे हैं उसके लिए। मैं कह रहा हूं कि आप में से यहाँ पे कोई उस प्यार को घटे तो मैं उसके लिए कोशिश करूं कि वो आयामों को खुलना चाहिए, लेकिन वो आयाम अगर बंद कर दिए जाए, दरवाजे ही बंद हों, तो फिर क्या होगा? जैसे मैं आपसे बोलूं कि जिजित वो उठा डंडा और जरा जा उसको पीट के आ, वो आदमी सही नहीं है। ये एक आयाम है युद्ध का। जिजित बोले अरे प्रभु अभी तक तो हिंसा के खिलाफ मैं जीवन जिया, आज आप मुझे हिंसा सिखाते हैं, या तो खुद ही आयाम में नहीं है। हिंसा करने का एक ध्यान विधि बता दो। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने सारे आयाम हैं। कुछ थोड़े से आयाम मुझे बचपन में मेरे घर से मिल गए थे, जिसमें मैंने हिंसा, जिसमें किसी को रोक टोक ना करना, ये सब चीजें मैंने बचपन में घर में ही देख ली थी, प्रेम बचपन में ही जान चुका था। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जिस दिन मेरा संन्यास हुआ उसी दिन मेरे साथ कुंडली जागरण भी हुआ, मुझे तो ये भी नहीं था कि संन्यास के बाद धौंकनी अपनी चलानी पड़ी हो, तो मुझे तो वहां से अवसर मिल गए। उसके बाद तो मैं सरल था, फिर तो मेरे लिए आयाम खुले थे, फिर आयाम में ध्यान में भी गया, फिर मैं जंगल में भी गया, फिर उसके साथ तांत्रिकों के साथ भी रहा, फिर उसके साथ मैंने मांसाहार भी देखा, शराब भी देखा, सभी तरीके की चीजें देखी। तो ये आयाम खोलने की बात है। तो जिजित क्लियर, डायमेंशन खुलने की बात है, और तुमसे क्लियर इस समय ज्यादा किसको हो सकता है। तो इसलिए इस बात को समझो, बुद्ध और कृष्ण के प्रतिभा का भेद नहीं है, भेद है उन द्वारों का जो कृष्ण के लिए खुले और बुद्ध के लिए नहीं खुले। बस इतनी सी।